कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज हम बात करेंगे शनि और मंगल की। शनि और मंगल दोनों ही पाप ग्रह हैं और दोनों ही परस्पर शत्रुता भी रखते हैं, अतः जहाँ कहीं भी ये साथ हों जीवन को कष्टकर बनाते ही हैं। शनि मंगल का मिलन आकस्मिकता का समावेश कर देता है। एक बार फिर शनि मंगल का मिलन होने वाला है तो राशियों पर कैसा रहेगा इसका प्रभाव, आइए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम लेते हैं हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित जी जो देश ही नहीं आज विदेशों में भी जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुवार के भारद्वाज जी की। चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, मुलाकात करते हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। सर्वप्रथम आज हम आपसे शनि और मंगल के विषय में जानेंगे। पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि शनि और मंगल की युति का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आप विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए पहले तो मैं आपकी एक बात को समझा दूं जी। कोई ग्रह जो है पापी या कठोर कब होता है, जब कहाँ बैठा है, उसकी युति क्या है, उसका बल कितना बड़ा है और उसका साथ किसके साथ है जी। प्लस वो कौन से भाव में बैठा है। कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ जब पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो अच्छा असर देना शुरू कर देते हैं, और कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पापी ग्रह बैठते हैं तो वो बुरा असर देते हैं जी। तो सारा कर्मों का खेल है। और अब आपने कहा जैसे शनि और मंगल एक घर में आ गए, युति का मतलब है जब शनि और मंगल इकट्ठे होकर धनु राशि में यानी कि नौवीं राशि के अंदर बैठ गए हैं। दूसरी चीज ये आया शनि नहीं आए हैं, शनि तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, यहाँ पर आए हैं मंगल। मंगल आके शनि के साथ मिले हैं इसलिए ये युति बनी है जी। और एक विशेष बात और जानेंगे, शनि मंगल के साथ मिल रहे हैं या फिर मंगल शनि के साथ मिल रहे हैं, इससे जुड़े भी तमाम प्रश्न। देखिए मैं आपको पंचांग से बताता हूँ। ये 12 जुलाई को जी मंगल जो है तुला राशि से निकल कर वापस वृश्चिक राशि में आएंगे, राइट। इससे पहले इस वर्ष 20 फरवरी को मंगल ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था जी, जी। क्लियर। बाद में मंगल 17 अप्रैल को वक्री हुए थे और उल्टी गति से चलते हुए 18 जून को तुला राशि में चले गए थे। अब एक और बार फिर से मंगल यानी मार्गी जी सीधी चाल पकड़कर वृश्चिक राशि में लौटे और वृक्षी में मंगल 18 सितंबर तक रहे। भूमि पुत्र मंगल तो एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं पर हर 2.5 वर्ष के बाद संयोग बनता है जब मंगल एक राशि में 6 से 7 महीने तक रहते हैं। ऐसा वर्ष जब मंगल एक राशि में वक्री होकर 6 से 7 माह ठहरे, हिंसक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध के लिए जाना जाता है। एक चीज अब यहां पर जो ये इकट्ठे हुए हैं ये होंगे 7/3/2018 को, ठीक, और कितने बजे होंगे, 6:30 पर मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 57 दिन इनसे बचकर रहिएगा। इसका जो प्रभाव है अलग अलग भावों के अनुरूप होता है, उन भावों के विषय में भी आप हमें विस्तार। देखिए आप इसको दूसरे तरीके से समझें जी कि मंगल का अर्थ है जोश और खरोश का ग्रह, और मंगल को जब हम धरती से टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो क्या है, लाल रंग जी। और जब लाल रंग हमारे शरीर में क्या है, खून। खून मंगल के कारण प्रॉब्लम में आता है, मंगल के कारण ठीक आता है, और जब जोश खरोश बहुत ज़्यादा हो जाता है तब क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। और शनि क्या है, आलस्य का ग्रह, धीरे धीरे चलता है। मंगल ग्रह वाले तुरंत निर्णय लेते हैं और शनि वाले लोग सोच कर समझ कर निर्णय लेते हैं। पहला तो भेद ये है।
तो यूं कह सकते हैं एक फुर्ती का प्रतीक है, दूसरा आलस्य का प्रतीक, और जब दोनों साथ साथ हो गए तो क्या होगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि मंगल जो है वो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है। जो हम कुंडली बनाते हैं आठवें भाव का जो मालिक है वो मंगल है, तो शनि कर्म और आय भाव के मालिक बन जाते हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग असर होता है। चलिए हम लेते हैं पहले भाव से जी। दोनों जब पहले भाव में आ जाएंगे तो मंगल की शुभता में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में जातक को दोनों का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जिनके पहला घर और उसमें मंगल और शनि दोनों इकट्ठे हो गए। देखिए पहला घर किसका है, एक राशि मेष राशि, और मेष राशि पे मंगल और ये दोनों इकट्ठे हो जाए, मगर वहां मेष नहीं वहां पर धनु राशि होनी चाहिए, तब क्या असर आएगा, तो बहुत अच्छा होगा, शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तब जातक खुद कमाई करके आजीविका प्राप्त करने लगेगा, ससुराल वालों का भी इस योग पर अच्छा असर पड़ेगा, आर्थिक हालात में भी सुधार होगा, ऐसा ये ग्रह बताते हैं जी। दूसरा भाव किसका है, दूसरा भाव है धन का। पहला भाव क्या है, अपने तन का, दूसरा भाव है धन का। और धन में जब ये दोनों आ जाए तो क्या होगा, शादी के बाद जातक का भाग्य उदय होता है और ससुराल पक्ष को भी इससे लाभ आता है। तीसरे भाव में जब तीनों दोनों इकट्ठे होंगे तो जातक के घर में लड़की पैदा होती है और भाग्य उदय होता है। जब चौथे भाव सुख भाव या मातृ भाव पे आ जाएंगे तो अशुभता कम होगी, क्योंकि चंद्रमा के घर पर आ गए, उस समय खेती की जमीन खरीदे, शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब पांचवें भाग में आए तो पांचवें भाग में आने से पुत्र उत्पत्ति होती है, जिसके भी पांचवें भाग में शनि होगा संतान उत्पन्न होगी और काफी हद तक चांसेस होंगे कि उसको पुत्र धन की प्राप्ति हो। जब छठे भाव में आता है, छठा भाव का मतलब है रोग बीमारी, और उसमें जब ये आएगा तो एक बड़ी भारी घटना घटती है। वो घटना क्या घटेगी कि आपके घर के सामने कहीं पर कुतिया बच्चे दे देगी, बस ये आपके अच्छे दिनों की एक निशानी होगी। छिपकली पैर की तरफ से चढ़ रही हो, ये भी निशानी मिले तो आपका भाग्य चलना शुरू हो जाएगा। सातवां भाग है स्त्री का। जब सातवें भाग में आएगा तब स्त्री से शारीरिक संबंध न बनाना किसी से। अगर ऐसा आदमी नवम घर में जिनकी युति हो रही है, अगर वो हवन करे यज्ञ करे अपने घर में, तो उसको बहुत लाभ मिलेगा, उसको धन की भी और भाग्य की जागने की भी चांसेस आ जाते हैं जी। दसम भाव में आएगा, योग और व्यवसाय को लाभ देगा। याद रखना, जब दसम भाव में आता तो घर में सांप निकलता है, और अगर घर में सांप निकले मारना नहीं, बस आपकी भाग्य की शुभ निशानियां शुरू हो जाएंगी। ग्यारहवें में भी बाप दादा की कमाई पर जीवन यापन शुरू कर दे या अपनी मेहनत से कमाए तो उसको लाभ आना शुरू हो जाएगा, ईमानदारी कमाई में बरकत देगी। और बारहवां भाव में जब आएगा तो घर में किए हुए जो हवन होंगे, किए हुए जो कर्म कांड होंगे, उसका बहुत बहुत शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा जी। ये आपने बताया गुरुजी हमें भावों के विषय में, और अधिक जानकारियां आपसे जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉलर लेना चाहेंगे। हमारे साथ स्वाति जी जुड़ी है, बीकानेर से है। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें जी। नमस्कार स्वाति जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। हाँ, मुझे मेरे भैया के बारे में पूछना है। उनका नाम है संभव जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1988 जी। आप समस्या बताइए प्लीज। बस पहली देखो बेटा, ऐसा है ये इस बच्चे का मन जो है स्टेबल नहीं होता,
समझ आती है बात? मेरे ख्याल लाइन कट गई जी, संपर्क हमारा उनसे टूट गया। अपने भाई के विषय में जानना चाह रही थी गुरु। हाँ, तो ये ना, या तो हो तो फिर मैं पूछूं और वो जवाब दे। चलिए, अब आते हैं हम राशियों पर जी। अगर ये मेष राशि पर आती है तो क्या होगा? पिता और, क्योंकि मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। तब क्या होगा? पिता पुत्र आपके साथ हैं। मेष राशि वाले के लिए ये युति जो है नौवें स्थान में। अगर आप मेष राशि का मतलब है पहले घर में मेन राशि है, तो नौवां घर, नौवां राशि कहाँ आएगी? नौवें घर में। तो मेष राशि पे अगर आपकी जन्म पत्री में है, चंद्र कुंडली उठा लो और चंद्र कुंडली में देखो कि लगन जिसे हम बोलते हैं वहां पर एक नंबर अगर लिखा हुआ है, समझ लो कि आपकी मेष राशि है। और नौवां घर जो है वो आपके पर चला गया, तब इसके कारण अचानक कोई दुर्घटना का योग बनता है। पिता पुत्र के अंदर कोई ना कोई विवाद आ सकता है, सेहत के मामले में कोई बुरी खबर मिल सकती है, फिजूल खर्ची से बच के रहना बहुत लाभ आ सकता है, नुकसान हो, सॉरी, अगर आप फिजूल खर्ची करेंगे तो नुकसान आना शुरू हो जाएगा। अब आती है आपकी वृष राशि। अगर आप चंद्र कुंडली उठाएं तो जिसे हम लगन मानते हैं वहां अगर दो नंबर है, इसका मतलब आपकी राशि है वृष। जब लगन वृष राशि पर आएगा तब ये आएगा, युति कहाँ बैठेगी? आठवें घर पे। ऊपर दो राशि हो गई तो आठवें घर में नौवीं राशि होगी, तब जब नौवां के आठवां घर क्या है? बीमारी का, दुख का, संकट का। और बीमारी और दुख और संकट में शनि और मंगल इकट्ठे आ गए तो क्या होगा? परिवार के सदस्यों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद, साजिश का शिकार बन सकते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जी गुरुजी, और अधिक जानकारियां जरूर लेंगे, कॉलर्स भी लेना चाहेंगे। हमारे साथ मनप्रीत जी जुड़ी हैं फिरोजपुर से हैं। मनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं मनप्रीत जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, कोई भी मेरा जो काम करता हूँ जो वो भी उसमें मन नहीं लगता काम करने में। जी जी गुरु जी, आप कब पैदा हुए? 9 अक्टूबर। है जी, मनप्रीत जी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपनी। मनप्रीत जी 9 अक्टूबर 1995। क्या बोल, 9 अक्टूबर 1995, समय बता दीजिए। आप एक काम करें, बस छोड़िए, आप एक काम करें, रोज पीपल को जल दें और इस वक्त आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे आपको इससे लाभ आना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद मैंने आपको बताया मिथुन राशि। मिथुन का मतलब क्या? चंद्र कुंडली उठाएं और अगर आपके लगन वाले स्थान पर तीन नंबर है तो तीन नंबर का क्या मतलब है? सातवां जो घर होगा वो होगी आपकी धनु राशि, ठीक। और धनु राशि पे जब ये चल रहा है तो क्या होगा? आपको असफलता मिलनी बंद हो जाएगी। नंबर दो, एक्स्ट्रा कमाई के कई मौके मिलेंगे जिनकी मिथुन राशि है। व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों को इस समय लाभ आना शुरू हो जाएगा। इसकी युति से कई अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। पति पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लगन पर चार नंबर देख रहे हैं तो वो है चार राशि, यानी कि कर्क राशि। और अगर कर्क राशि है तो नौवीं राशि कहाँ आएगी? छठे घर पे जी। अगर छठे घर पे आती है यहाँ पर वो अशुभ फल देना शुरू कर देगा। ये रोग का और दोष का घर है और उस स्थिति में दुश्मनी को बढ़ाएगा, रोग दोष में नुकसान हो सकता है। हर काम को पूरा करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से किसी चीज़ का फल मिलने वाला नहीं। आइए अब जानते हैं सिंह राशि के विषय में। जी गुरुजी बताएं आप हमें। सिंह राशि का मतलब है लगन वाली जगह पे कुंडली आप खोल लें तो उसमें जो ऊपर एक चौरस होता है
एक आपके राइट पे और एक लेफ्ट में चौरस होता है और एक नीचे स्क्वेयर होता है। जो फ्रंट में स्क्वेयर है ऊपर सबसे पहला, उसको हम लगन बोलते हैं। अगर वहां पर पांच नंबर लिखा है, पहला पांच नंबर अगर लिखा है तो समझ लीजिए और कि ये इनकी राशि सिंह राशि और वहां चंद्र होना चाहिए, ठीक। और अगर सिंह राशि के जातक पे आया है तो वो कौन से घर पे आएगा, पांच छ सात आठ नौ, यानी कि पांचवें घर। पांचवा घर संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। इसमें जो जातक परीक्षा दे रहे हैं उनको परीक्षा में कमी आ सकती है, परेशानी हो सकती है। इस भाव के जातक को अगर वो मीट मांस मच्छी अंडा खाता है, नॉन वेज खाता है, चिकन खाता है, ठीक है, ऐसा कोई भी जातक अल्कोहल का सेवन करता है, तो वो पांचवें घर की ज्योति से नुकसान पाएगा। दूसरा, अगर उसके संबंध अपने भाई से, अपने मित्रों को धोखा देने जैसे हैं, उसने धोखा दिया हुआ है तो, और उसकी सिंह राशि है, तब उसको यहां पर नुकसान होगा। दूसरा, संतान से दूर हो जाएगा, संतान उसको उसकी अवहेलना करेगी, आर्थिक नुकसान हो सकता है पांचवें घर की वजह से, कारण मैंने बताया। अब आ जाते हैं, अगर वही ऊपर वाले स्क्वायर में अगर छह नंबर और चंद्रमा है, इसका मतलब है कन्या राशि है। अगर कन्या होगी तो सात आठ और नौ तीसरे घर के ऊपर आपके जाकर ये युति हो रही है। जी जी गुरुजी, कॉलर भी लेंगे साथ के साथ। दिनेश जी जुड़े हैं हमारे साथ पंचकुला से हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी। जी मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड पूछना चाहता था जी। बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाहता था गुरु जी। 2015 से बहुत, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 4/6/1964 है जी। 4/6/1964 बस बस बस, मुझे एक शब्द सुनना होता है। आप ये बताइए, सारी जिंदगी में हमेशा धोखा मिलता रहा? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी। सारी जिंदगी आपको धोखा मिलता रहा, जिसको भी आपने सहयोग दिया उसने ही आपको धोखा दिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नंबर दो, कहीं से यश नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। और जिस घर में आप रहते हो उसकी दीवारें खराब होनी शुरू हुई है कि नहीं? पेंट तो ठीक है वैसे, लेकिन हाँ मैला मैला सा हो गया। हो गई ना। और इसलिए दूसरा, आपके पेट का क्या हाल है? पेट तो ठीक है जी। पेट में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है? नहीं जी नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस स्थिति में आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, लोग आपका पैसा मार के जा सकते हैं, आपका व्यवसाय रुक सकता है, ऐसा योग आपके शब्दों से मिल रहा है, ठीक है। अब इसे बचने के लिए आपने क्या करना है, जौ के आटे की गोलियां बनाओ और मछलियों को डालनी शुरू कर दो और शनि को तेल देना शुरू कर दो। शनि की मूर्ति पर तेल चढ़ा के उस तेल को डकौत को दे देना, इस वक्त आपको लाभ आएगा। जी गुरुजी, एक और कॉल लेंगे। हमारे साथ अमृतपाल जी जुड़ी हैं, जालंधर से हैं। अमृतपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मेरा सन है 13/7/1996 हैं जी। हैं जी, क्या बोलिए? मेरा सन 13/7/1996 है गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए इन्होंने अपनी, 13/7/1996। अच्छा बस, अब आप मुझे ये बताइए कि कमर पर या पीठ पर या लात पर कहीं दर्द तो नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रहा। कमर पे कोई दर्द, गर्दन पे या बाजू पे इस पोर्शन में कोई दर्द तो नहीं आता? नहीं नहीं। दांत ठीक है? दांत ठीक है आपके कि नहीं? दांत ठीक है गुरुजी। मतलब दांतों में कोई परेशानी नहीं, कमर पे, गर्दन पे, पैरों में कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं। आंखें बिल्कुल ठीक है?
नहीं, आंखें कल थी लाल हो गई थी, कल लाल हो जाती है ना खराब। हाँ हाँ अच्छा, दूसरा बताइए मान सम्मान का क्या हाल है? नहीं हो रहा सम्मान मुझे। बुरा है, बस एक काम करो बेटा, सूर्य को जल देना शुरू कर दो और कबूतरों को बाजरा डालना शुरू कर दो, आपके दिन सही हो जाएंगे। जी पुष्पा जी जुड़ी हैं, मेरठ से हैं। पुष्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। पुष्पा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, जल्दी से प्रश्न पूछे आप अपना। जी मैंने बेटे के बारे में पूछना था। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे की। 3 जनवरी 1984। 3 जनवरी 1984। अच्छा बेटा, आपके आगे आपका कितना सम्मान करता है? सम्मान के तो बात छोड़ो, उसकी कंडीशन खराब है, 10 साल हो गए जी, ठीक नहीं रहता उसका स्वभाव। हाँ, माँ के साथ। मगर मुझे आगे ना, इस आपके शब्दों से ये पता लगता है कि आपको बेटे की तरफ से सम्मान नहीं मिलता। दूसरा याद रखिएगा, इसका सारा शरीर टूटा टूटा रहेगा, ऐसा रहेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, हारा हुआ है, किसी काम को करने को दिल नहीं करेगा, बड़ा मूडी हो जाएगा और किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, आपकी कोई देखभाल नहीं करेगा। अब इससे बचने का तरीका, आपको उसको कोई उपाय ना बताना, आप स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दो, रोज एक अध्याय का पाठ करो, आपका घर ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब जानेंगे आगे की राशियों के विषय में, गुरुजी बताएं आप हमें। देखिए हम कर रहे थे कन्या राशि के बारे में जी। जब कन्या राशि पे अगर आपकी है तो नौवीं राशि कहाँ आएगी? चौथे घर में। और चौथा घर क्या है? सुख का घर। और सुख के घर में जब शनि और मंगल आ जाएंगे, याद रखिए सबसे पहला इफेक्ट माँ को परेशानी शुरू हो जाएगी। अगर किसी के भी चौथे घर के ऊपर इस वक्त युति बन रही है तो आप आंख बंद करके कहो कि तेरी माँ की सेहत कैसी है। दूसरा, उस स्थिति में आपने कुछ नहीं करना, नमः शिवाय का जाप करना है, भगवान शंकर की यथा स्तुति शुरू कर देनी है, खीर बनाकर चांदी का वरक लगा लगा कर आपने मंदिर में जाकर शंकर जी पर चढ़ानी है और शनि की ओम शंख शनये नमः, तीन उपाय करो, खीर शंकर जी पर चढ़ाओ, हनुमान जी की पूजा करो, शंख शनये नमः का जाप करो, किसी तरह का नशा, किसी तरह का नॉन वेज आप छूना नहीं, दिन आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कब? अगर ये चौथे घर पर इसकी युति बन रही है जी। आगे की राशियों के विषय में भी बताएं गुरुजी साथ के साथ, क्योंकि आगे वाली यानी जो राशियां हैं वो भी व्यक्ति पर किस प्रकार का असर डालने वाली है, विस्तार पूर्वक बताएं जी। अगर हमारी ज्योतिष बताता है कि अगर ऊपर के स्क्वायर में 7 नंबर और चंद्रमा का मतलब है तुला राशि, अगर शनि इस वक्त आपका तुला राशि है तब शनि कहाँ आ गया? शनि आ गया आपके तीसरे घर में, 7, 8 और 9, तीसरे घर पे शनि और मंगल की युति बन गई है। क्या होगा? मगर इससे एक फायदा होगा, शनि और मंगल जब तीसरे घर में आता है, युति बनती है, तो अचानक धन का लाभ होता है और मिला जुला असर दिखता है। दूसरा, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, मानसिक तनाव होता है और कभी कभी आपको पैसे की कमी होनी शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि शनि के ऊपर और किस किस की दृष्टि है, चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, जो ग्रह बैठा है वो कितना बलवान है, ऐसा सब देख कर ही भविष्य का फल का कथन करना जी। उसके बाद आ जाते हैं हम वृश्चिक राशि। अगर आपके ऊपर के स्क्वायर में 8 नंबर और चंद्रमा है, इसका मतलब है हमारी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि होगी तो 9वां घर कहां पर आएगा? नंबर 2 पे। और नंबर 2 क्या है? धन भाव। धन भाव का मतलब क्या है कि पैसे आने में शनि और मंगल स्वयं बैठ जाए तो क्या होगा? प्रॉपर्टी का लाभ देगा। जिनके लोगों के दूसरे घर में शनि होता है और धन भाव में बैठ जाए वो काले पैसे ला सकते। काले का मतलब है काली वस्तुओं से पैसा कमाते हैं,
वकालत करते हैं और उस स्थिति में इनको प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अचानक इनको प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलेगा और फिर शनि के कारण बहुत सक्रिय नहीं हो पाएंगे, इसलिए प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना भाई। जी गुरुजी कॉलर लेंगे, गुरमीत जी जुड़े हैं फतेहगढ़ साहिब से हैं। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। गुरमीत जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम। हाँ जी जी, प्रश्न पूछें, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे अभी ना काम कर में थोड़ा मंदा पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? काम थोड़ा मंदा चल रहा है, क्या कुछ? क्या डेट ऑफ बर्थ है भैया तेरी? 31/12/1985। जी 31/12 बताया आपने। हाँ जी जी। अब आप बिल्कुल सच बोलना, माँ की कितनी इज्जत करते हो? वो मुझसे अलग गई, मैं उनके साथ रहता नहीं। आगे ना, दूसरा मन बहुत खराब रहता है? बिल्कुल जी। किसी काम में दिल नहीं लगता? बिल्कुल जी। आंखें भारी होनी शुरू हो गई है? हाँ ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही हो दिन भर। हाँ, और दूसरा मुझे ये बताइए, पीछे के जो दांत है इनमें कोई पानी लगना शुरू हो गया? नहीं, ये दांतों में कहीं पानी लगना शुरू हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दीवारों में। आप कैसे कहते हो, मैं तो आपकी आवाज देख के मैं ये भी बता दूंगा कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, मैं आपको देख के ये भी बता दूंगा कि सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया। ये स्वर विज्ञान है, इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, वेदों में वर्णित विद्या है भैया। अब इसका एक ही काम करो, जाओ जाके माँ के पैरों में पड़कर माफी मांगो और ये कसम खा लो कि प्रत्येक सोमवार को माँ के पास जाओगे, माँ को अपने हाथ से खीर बना के खिला के आओगे और माँ के पैरों पे सर रख रख के माफी मांगोगे। आप देखना कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो दोष है वो मात्र दोष है, इसलिए माँ को खुश करो, बस मजे करना फिर। बहुत सुंदर। हर्ष जी जुड़े हैं लुधियाना से हैं। हर्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें, क्या प्रश्न है आपका, बताएं आप। हाँ जी जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी जी, मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1988। तो मार्च बस बस आप एक बात बता रहे हो, वैवाहिक जीवन कैसा जा रहा है? जी वो भी अच्छा नहीं है, शादी हुई है बस ऐसा ही चल रहा है। सुनते जाओ, मैं जो पूछ रहा बस उतना ही बताओ, खराब या है मुझे तो मालूम है, बहुत कुछ पता, छोड़ो। आप पत्नी के कितने वफादार हो? तो सो है ठीक ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप पहले तो लगे थे कहने 200%, फिर जब मैं पोल खोलता तो आप चुप हो जाते, इसलिए मैं बताता हूं, आपके स्वर बताते हैं कि आपका भाग्य आपकी पत्नी के हाथ में है। अगर आप अपने हाथ को ऐसे खोल के देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से एक रेखा निकल के और इस भाग्य रेखा को छू रही है, आप देख लेना। इसलिए भैया याद करो, अपने पत्नी का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल उसकी देवता बन के पूजा करो, मगर जिस स्त्री को आप लाए हो उसके साथ बैठ के सोचो गलती किसकी है और संबंधों को मधुर करो, और इसी बीच में गाय का मूत्र लेके शुक्रवार को घर पर छिड़को और गौमूत्र का सेवन करो, आपका घर बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, आप करके देखें। बात करेंगे धनु राशि की। जी गुरुजी आप हमें बताएं धनु राशि के जातक। देखिए धनु का मतलब है ऊपर के स्क्वायर में 9 नंबर हो जी, ठीक, और 9 नंबर पर चंद्रमा हो, तो इसका मतलब है आपकी राशि धनु है, ठीक। अब उससे उसमें क्या होगा, अब शनि और मंगल दोनों कहाँ पर आए हुए हैं? धनु पे। धनु पे आ गए का मतलब है कि स्वयं धनु पे ही ये इकट्ठे हो गए। अब उसमें क्या होगा, सीधी बात रखो, इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कई प्रकार की मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा ज्योतिष बताता है। आर्थिक संकट शुरू होगा, मान सम्मान में कमी होनी शुरू हो जाएगी,
व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों को हानि और तनाव का सामना करना शुरू हो जाएगा। अब भैया इसे बचने का रास्ता, धनु का मालिक कौन है? गुरु। और राशि में कौन बैठ गया? चंद्रमा। बस एक ही काम करना, माँ बाप की सेवा शुरू कर देना। धनु राशि वाले, अगर शनि मंगल कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसको सत्य जान लो। सिर्फ माँ की और बाप की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, और शंकर जी का जाप करो, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा का पाठ करो, देखिए किस तरह से आप चमकते हैं जी। उसके बाद आ जाते हैं हम मकर राशि पे। मकर का मतलब है ऊपर के स्क्वायर में 10 नंबर हो जाए। इस समय मंगल और शनि की युति अगर 10वें भाव में हो रही है तो तनाव बढ़ सकता है। अब इसके कारण क्या होगा, मकर राशि पे पीछे चले जाओगे। कहते हैं इस युति के कारण तनाव बढ़ सकता है, कोई कीमती चीज जैसे गाड़ी या सोना चोरी होने का योग बनता है, संपत्ति का विवाद हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर पर भी दर्दों का, जोड़ों में दर्दों का एहसास हो सकता है। अब इस स्थिति में आप क्या करें, शम्मी का पेड़ ले आए या शम्मी की कोई डाली काट के लाए और भैया उसको अपने घर में स्थापित करें और उस पर नित्य सरसों का तेल डालें, वहां से तिलक लगाना शुरू करें, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा जी। गुरु जी कॉलर भी लेंगे, हमारे साथ श्रुति जी जुड़ी हैं। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी मेरे जी बोले। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1975। आप ये बताइए कि आपके ससुर कहाँ रहते हैं? जी उनकी तो डेथ हो चुकी है। क्या वो आपके साथ रहते थे? हाँ जी वो हमारे साथ रहते थे। आपके साथ, अब आप बिल्कुल सच बताना। हाँ, क्या आपके पति की पढ़ाई रुक गई थी? नहीं, उनकी पढ़ाई पूरी हुई है। कितना पढ़े हैं? उन्होंने PhD किया हुआ है मैनेजमेंट में। बहुत बढ़िया। एक साल के लिए पीछे अगर बैठे हैं पास में वो कहीं? हाँ जी। हाँ बात कराओ इनसे। क्या एक साल के लिए बीच में कहीं रुके थे ये? मैं आपकी बात कराती हूँ। क्या आप एक साल के लिए पढ़ाई में रुके थे? हेलो अनुष्का जी, कहीं आपका एक साल का गैप आया था पढ़ाई में भैया? हाँ पढ़ाई में। हाँ फिर तो कैसे अच्छा दूसरा अब एक बात बताना बिल्कुल सच, फादर के साथ, क्योंकि अगर मुझसे आप छुपा लोगे, मुझे तो मालूम है, मैं आपको सही रास्ता नहीं बता पाऊंगा और मैं आपकी शक्ल से वाकिफ नहीं हूं, इसलिए आप मुझे ये बताएं क्या पिता के साथ आइडियोलॉजी डिफरेंसेस थे? नहीं ऐसा कुछ था, पर वो बीमार थे तो उसमें गुस्सा ज्यादा करते थे। दिमाग के क्या थे? बीमार थे ना तो गुस्सा ज्यादा करते थे। तो आप गुस्से को सह लेते थे या उसका जवाब भी देते थे? दोनों होता था, कभी दोनों होता था, कभी जवाब देता। तो फिर पिता की क्या इज्जत कर रहे थे? दोस्त एक याद रखना, याद रखो तुम्हारा जो भाग्य था वो पिता के हाथ में था। आप मुझे बिल्कुल सच बताना, जब पिता जिंदा थे और बिल्कुल तंदुरुस्त थे, जब आपका भाग्य कैसा था? तब भी ऐसे ही था, बीच में अप डाउन चलते रहते थे। ठीक है, आपके सिर के बाल उड़ने शुरू हो गए हैं? नहीं। यहां से या माथे से बाल उड़ने शुरू हुए हैं? वो तो काफी पहले होने शुरू हुए थे, बट इतना ठीक हो गया था। ये मानते हैं मगर धीरे धीरे मानते हैं भैया। सबसे बड़ी चीज है पीपल की सेवा करो, पीला कपड़ा लेके उसके कपड़े बनाकर किसी ब्राह्मण को दान करो, और कोई बुजुर्ग मिले उसको आप नित्य कुछ ना कुछ खाने को दो, उसकी सेवा करो, उसके घर का खर्चा चलाना शुरू कर दो। और एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा करना। आपके घर में अगर लहर बहर नहीं हो जाए तो कभी मेरा प्रोग्राम आए
तो आप मुझे बताना। जी गुरुजी, बीरबल जी जुड़े हैं संगरूर से हैं। बीरबल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें, बताएं क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। सर बीरबल बोल रहे हैं जी। जी बीरबल बोल रहे हैं जी, संगरूर जी। बोलिए बीरबल जी, आंखें कैसी हैं आपकी? हाँ जी, आंखें कैसी हैं, नजर ठीक है? हाँ जी, आंखें तो नजर तो ठीक है जी, बारी बारी रहती है जी। क्या रहती है? बारी बारी रहती है जी। बारी बारी रहती है तो फिर ठीक कैसे है? हाँ जी। अच्छा, दूसरा तो दूसरा मुझे एक और बात बताओ कि पेट में दर्द आता है कि नहीं? कभी कभी हाँ जी आता है ना जी। अब एक चीज और बताओ मेरे को कि कमर का क्या हाल है? कमर तो ठीक है बाबा। कमर 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 बेटा कमर। कमर तो ठीक है बाबा जी। उसमें दर्द आता है बीच में? नहीं नहीं, कभी नहीं आता। कमर पूरा पीठ ठीक है एकदम? नहीं, कभी कभी आता, कभी कभी होता है जी। मतलब तुम शराब पीते हो? बिल्कुल नहीं जी, मगर कभी कभी पी लेता हूँ। नहीं, 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 ऐसे नहीं, नहीं। सुनो अब सुनो यार, इसमें मजाक की बात नहीं है, इसको बड़े सीरियस लो। याद रखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख लेना जी। सबसे पहले सिर भारी होना शुरू हो जाएगा जी बाबा जी। सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो भी होगा दाईं तरफ, पिछली तरफ परेशान होना शुरू हो जाओगे। दूसरा, आपके कंधे से बाजू के ऊपर दर्द शुरू हो जाएगा। ये निशानियां बता दी हैं। एक ही काम करना बस, गाय को जितनी गाय की सेवा करोगे और ज्यादा से ज्यादा गाय के पीठ पर हाथ फेरो, गाय को वो क्या कहते हैं मालिश कर देते हैं, वो एक होता है उससे, उसको रगड़ो उसकी पीठ को, आप देखोगे चमत्कारी प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और आपकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चलेंगे कुंभ और मीन राशि के विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा ये एकादश भाव में चलते चलते कहीं से अचानक भारी मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। संपत्ति में अच्छे अच्छे सौदे होने शुरू हो जाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा कुंभ राशि वालों के लिए। सॉरी, अगर कुंभ राशि वालों को नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता तो मैं बताता हूं, आप काले कुत्ते की सेवा शुरू कर दो, काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दो, ठीक है, कौए को मीठी रोटी खिलाना शुरू कर दो, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा जी। प्रगति जी जुड़ गई है हमारे साथ यहाँ पर, दिल्ली से जुड़ी हैं। प्रगति जी बताएं क्या प्रश्न है, क्या समस्या है आपकी? जी प्रगति जी से संपर्क टूट गया। प्राची जी जुड़ी हैं हमारे साथ। प्राची जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर। ये बस बस आप ये बताइए के पति की सेहत कैसी है? जी पति की सेहत अभी तो खराब है क्योंकि उनको बस उतना ही, जितना पूछा जाए उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, व्यवसाय कैसा है इस समय? लेकिन वो कुछ अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसी के बारे में आपसे पूछना है। बिल्कुल ठीक ठीक, ऐसा अभी एक काम करो, उसकी निशानी बता देता हूं कि आपका जो मकान है वो उसमें सनराइज, आप छत पे चढ़ते हो तो आपके मकान पे सनराइज जो है कॉर्नर से होता है जी। हाँ, दूसरी चीज, आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ साथ रहते हैं? नहीं नहीं, फौरन उनको साथ ले आओ। जो काम खोलना है उनके पांव के ऊपर माथा टेक कर माफी मांग कर, ये नहीं कोई जरूरी को अपराध किया है, आप काम शुरू करो, आपके पति को लाभ आना शुरू हो जाएगा। और कभी मौका मिला तो आप अपने पति की पूरी डेट ऑफ बर्थ बताना तो मैं और भी आगे को बताऊंगा, मगर फिलहाल ये करो जी। अब बताएं आगे की राशियों के विषय में गुरुजी आप। उसके बाद आता है मीन राशि। मीन राशि का ठीक है जी। अगर मीन राशि में शनि की इसकी युति हो जाए तो क्या होगा, 2 मई तक इन राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा।
कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती है, मानसिक तनाव आ सकता है और भैया इसमें कोई ना कोई चोट लग सकती है। सीढ़ियों से ध्यान से उतरो, गाड़ी को बड़े आराम से चलाना, वरना आपको परेशानी आने का एक योग बना हुआ है। और पूछिए जी। जी, और एक विशेष बात आपसे जानेंगे गुरुजी, आज जितनी भी राशियों के विषय में आप हमने बताया है, आपने माता पिता का समावेश करके ही बताया, और कहें माता जो होती है वो चंद्रमा के कारक होती है, पिता जो होते हैं वो सूर्य के कारक होते हैं। जिन लोगों के सूर्य कारक होता है, माँ बाप कारक नहीं होते, सूर्य कारक होता है जी, जो जिनके साथ नहीं रहते हैं वो क्या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, वो भी आप हमें बताएं। देखिए, एक चीज याद रखो, माँ का आशीर्वाद भाग्य को बनाता है और पिता का, माँ का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद, माँ मन की कारक है, मन के कारण। देखिए, माँ का मतलब है मन, माँ का मतलब है चंद्रमा, माँ का मतलब है शिव, माँ का मतलब है पानी। एक चीज, दूसरी चीज, भाग्य की वृद्धि में जब बार बार रुकावट आनी शुरू हो जाए, समझो माँ नाराज है, कहीं पर आपका चंद्रमा गिर गया, बस कुछ ना करो, माँ को खुश करना शुरू कर दो जी। खुश करने का मतलब पैसा नहीं होता, खुश करने का मतलब माँ को समझो, जब आप पैदा हुए थे तब माँ ही आपके लिए सब कुछ करती थी। एक याद रखना, जो शख्स अपनी माँ को धोखा देता है, जो शख्स अपनी माँ की सेवा नहीं करते, जो बहुएं अपनी माँ की सेवा नहीं करती, लिख के ले जाओ, उनके बच्चों की शादियों में डिले होता है, उनके बच्चे शादियों का सुख नहीं पाते और उसको भी स्वयंभू का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माँ और बाप को खुश रखो, उन्हीं के पाँव में हमारा स्वर्ग है, ऐसा प्रकृति का नियम है। जी, चलते चलते सुख शांति और समृद्धि हेतु क्या कुछ विशेष उपाय किया जा सकता है, ये भी आप हमें बताएं। सबसे पहले माँ बाप की, मैंने आपको बताया, सेवा करो। अगर भाई है या भाई समान मित्र है, उसको धोखा ना देना, और किन्नर अगर मिल जाए तो किन्नरों की सेवा करो, ना स्त्री है ना पुरुष, वो समाज का एक तिरस्कृत अंग है, उनकी सेवा करो, आशीर्वाद लो, यानी कि आशीर्वादों को इकट्ठा करो, आपका भाग्य संवरना शुरू हो जाएगी। गुरुजी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और चलते चलते अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उपाय बताए गए हैं उन उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।